आखिर बिहार में चल क्या रहा है ना। बिहार में सरकार की जो स्थिति है वह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति बिहार की बनी हुई है। अपराध चरम सीमा पर है, शिक्षा की स्थिति बिल्कुल चरमराई हुई है, चिकित्सा माफियाओं का बोलबाला है। बिहार जहां एक और आम जनों के रहने लायक नहीं बचा है, वहां बिहार के राजनेता सिर्फ राजनीति करने में लगे हुए हैं। लोकसभा चुनाव सर पर है, ऐसे में इन नेताओं को सीट की बहुत ज्यादा चिंता सता रही है। 50-50, 20-20 के मैच खेल रहे हैं सीट बंटवारे को लेकर, मानो चुनाव सर पे आ गया है। और जनता को अब उन्हें कार्यों की समीक्षा करने के बजाय, कार्यों के बारे में बतलाने के बजाय सीट बंटवारे की ज्यादा चिंता सता रही है। चाहे वो सत्ता पक्ष हो, चाहे वो बिहार का विपक्ष हो, सभी अपने सीट बंटवारे को लेकर अलग अलग प्रकार के बयानबाजी करने में मस्त हैं। आज उपेंद्र कुशवाहा का एनडीए से अलग होना, क्या जब 4.5 साल सत्ता का सुख भोगने के बावजूद एनडीए से अलग होना, आखिर क्या वो दर्शाना चाहते हैं? जनता भली बात नहीं जाती है उपेंद्र कुशवाहा जी? जब मुजफ्फरपुर में इस तरह कितने बड़े वारदात हुए तो आपकी चुप्पी नहीं तोड़ी गई, आपने चुप्पी नहीं तोड़ा। जब बिहार की बहन बेटियों के साथ, उनकी अस्मिताओं के साथ खिलवाड़ हो रहा था तब आपकी चुप्पी नहीं टूटी। जब बिहार में इतने बड़े पैमाने पर बलात्कार हत्या लूट हो रहा है तब आपकी चुप्पी नहीं टूट रही है। जब बिहार और जब देश की स्थिति, किसानों की स्थिति जो देश की है, लगातार किसान दिल्ली में जा जाकर प्रदर्शन कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन किसानों की स्थिति पे आपने चुप्पी नहीं तोड़ा। और आज जब आपकी सीट बंटवारे की चिंता दर्शाने लगी तब आप एनडीए से अलग होकर अपने आप को संविधान बचाने और शिक्षा के बहुत बड़े हिमायती आज बने फिर रहे हैं। यह जनता और बिहार के 11 करोड़ 36 लाख जनता सब देख रही है। किसी को सीट बंटवारे की चिंता है, तो किसी को परिवार की चिंता है, तो किसी को अपनी कुर्सी की चिंता है, लेकिन बिहार की 11 करोड़ 36 लाख जनता के किसी को चिंता नहीं। जन अधिकार पार्टी शुरू से इन जनता के हर एक समस्याओं का लेकर आंदोलनरत है और संघर्षरत है। माननीय सांसद पप्पू यादव जी आम आवाम की आवाज को बुलंद कर रहे हैं, लेकिन आज जो बिहार अपराध की ओर बढ़ रहा है, आज बिहार शराब तस्करी का केंद्र और अपराधियों का स्वर्ण नस्ली बन चुका है। बिहार में अपराधी बेलगाम बेकौफ हो चुके हैं। हर तरफ लगभग बिहार में 2 दर्जन से ज्यादा हत्याएं प्रतिदिन हो रही है, दर्जनों बलात्कार बिहार में प्रतिदिन हो रहे हैं, लेकिन सरकार अपराध रोकने में नाकामयाब है। जन अधिकार पार्टी सरकार को आगाह करती है कि अगर बिहार में अपराध और शराब तस्करी बंद नहीं हुई, बिहार के बेटियों के साथ खिलवाड़ बंद नहीं हुआ, तो जन अधिकार पार्टी बड़े पैमाने पर